फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू गाइडेंस। सो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं BEGLA 138 का। बेसिकली हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। यू कैन से आज हम एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने वाला है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वेलकम अगेन। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। द पेपर जो आपका होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। और ये जो आपका पेपर है ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। बेसिकली इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं एंड मैंडेटरी है सारे क्वेश्चन करना, आंसर ऑल क्वेश्चंस, कोई आपको इंटरनल चॉइस नहीं दी गई है। सो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम सेक्शन 1 से। तो हम देखते हैं किस तरीके से सवाल आएंगे। सो एज यू नो, रीडिंग में बेसिक है पैसेज का आना। सो सबसे पहला आपका यही है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, आई एम नॉट रीडिंग इट। तो आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, काफी अच्छे से पढ़ना है एंड फिर आपको उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको रीडिंग के बेसिस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आंसर करना है। व्हाट एवर रिटन इन, जो भी यहाँ पे मेंशन है, रिटन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपने कितना समझा और आपने क्या सीखा, उस टाइप के आपको सवाल लिखने हैं कि आप उस पैसे से क्या समझते हो और क्या समझ रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, क्या आपने पढ़ा। तो आपको वो 2 सवाल आंसर करने हैं। इस तरीके से आपको ये जितने भी सवाल दे रखे हैं ये सारे आपके पैसेज बेस हैं। तो आपका इस तरीके से सवाल आएगा, आपको कोई भी एक पैसेज दे देगा, आपको उसे काफी अच्छे से रीड करना है, समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड देन यू हैव टू आंसर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे आपको ए के ही काफी सारे पार्ट्स दिए हैं, टिल जी, ठीक है, अलग अलग नंबर के। देन एक क्वेश्चन आपका ये आता है और ये कॉमन है पैराग्राफ में, आपको वर्ड्स दिए होते हैं और आपको पैसेज से वो वर्ड्स निकालने होते हैं विच आर सिमिलर टू दैट वर्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको 8 वर्ड्स दिए हुए हैं, 1 मार्क ईच, आप देख सकते हो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है लॉन्ग स्पीच बाय 1 पर्सन, ऐसा कौन सा वर्ड है दैट रिप्रेजेंट दैट। सो यू हैव टू रीड द पैसेज एंड देन यू हैव टू आंसर, आपको इस पैसेज में कैसा वर्ड मिलेगा, दैट मीन्स द सेम। इसी तरीके से यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं जिसका मीनिंग फॉर दैट वर्ड इज इन द पैसेज, ठीक है। फैट एंड राउंड इन टर्म्स ऑफ फिजिक यू, नॉट एक्सपेंसिव, टॉल एंड स्लेंडर, ग्रोन इमेंसली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अ बिजनेस प्रोवाइडिंग और सेलिंग सम टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डेंजरस और लाइकली टू कॉज हार्म। सो ये सारे आपको जो मीनिंग्स हैं वो पैसेज में मिलेंगे। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। अनदर इज अ सेक्शन बी, जहां पे आपको, मैं आपको बता देती हूं है क्या, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। यहां पे आपको 2 कन्वर्सेशन, एक टेलीफोन कन्वर्सेशन गिवन है, ठीक है। नंबर 1 इज द कन्वर्सेशन बिटवीन मिसेस आयशा एंड मिस्टर मिलिंद मसोंडे एंड अनदर 1 इज आल्सो विद मिलिंद मसोंडे बट हियर अनदर पर्सन इज मिस्टर सुरेश मलकोटिया। तो यहां पे आपको क्या है, 2 कन्वर्सेशन दे रखे हैं, आप इसको रीड कर सकते हो, टेलीफोन कन्वर्सेशन है जिसमें यहां पे जो इनको क्या करना है, मिस्टर आयशा को किससे बात करनी है, सुरेश मलकोटिया से बात करनी है, मलकोटिया से, जो यहाँ पे आपके सेकंड टेलीफोन कन्वर्सेशन में है, ठीक है, आप इसको समझना। एंड यहाँ पे आपको दूसरा कन्वर्सेशन दे रखा है, अब आपसे पूछेगा क्या, आपको एक तो एनालाइज करना है कन्वर्सेशन को, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, क्या डिफरेंस है डोमेन्स में, जो मिस आयशा ने बात की है मिस्टर मिलन से और मिस्टर सुरेश ने बात की मिस्टर मिलन में। एंड देन आपको एक और सवाल दे रखा है जहाँ पे आपको इस कन्वर्सेशन को रिक्रिएट करना है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक कंसिडर करना है कि जो मिसेज आयशा है वो मिस्टर मलकोटिया की फैमिली मेंबर है। वॉट आई सेट, यहाँ पे आपको 2 कन्वर्सेशन दे रखे हैं जिसमें से एक कन्वर्सेशन में 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, मिसेस आयशा एंड मिस्टर मिलन, एंड सेकेंड वाले में यहाँ पे मिलन है, बात किससे हो रही है, मिस्टर सुरेश। तो पहले तो आपको इन दोनों को पढ़ना है अच्छे से और आपको एनालाइज करना है दोनों कन्वर्सेशन, क्या बात हुई, कैसे बात हुई, ठीक है, दोनों को। दूसरा सवाल में आपको कंसिडर करना है कि अब आपको इस तरीके से कन्वर्सेशन लिखना है कि जो मिस्टर मिसेस आयशा है मिस्टर मलकोटिया की फैमिली मेंबर है, डिफरेंट टाइप्स के जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और देखते हैं और टाइप क्या क्वेश्चन बनता है। अनदर क्वेश्चन इज हियर कि एक तो इंटोनेशंस के बारे में, बेस्ड ऑन व्हाट यू लर्न अबाउट इंटोनेशन। इंटोनेशन बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से हम कोई चीज बोलते हैं, तो साउंड जो बोलने का तरीका होता है, जैसे कि आगे इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, ये इंटोनेशन बेसिकली होता है कि हम किस तरीके से एक सेंटेंस को बोल रहे हैं, ठीक है। सो उसके हिसाब से आपको ये सारे फॉलोइंग सेंटेंसेस को रीड करना है और आपको इनका इंटोनेशन बताना है ये किस तरीके से बोले गए हैं। जैसे कि मैं कोई चीज काफी ज्यादा गुस्से में बोल सकती हूँ, ठीक है, जो मेरा टोन है बोलने का, बेसिकली बोलने का टोन, मैं इस चीज को हैप्पीली भी बोल सकती हूँ, मैं सैड भी, है ना, कोई डिफरेंट डिफरेंट फेज। मैं कोई भी चीज, अगर मैं कुछ और कुछ लाइक मंगा रही हूँ तो मैं उसको गुस्से में मंगा सकती हूँ, प्यार से भी मंगा सकती हूँ, उदासी से भी मंगा सकती हूँ। तो वही आपको ये टोन बताने हैं। सबसे पहले आपको टाइप
टाइप बताना है, टाइप ऑफ इंटोनेशन, और आपको उसको ईच आपको एक्सप्लेन करना है. जैसे कि पहला, फिनिश योर होमवर्क और यू कैन नॉट गो आउट विथ योर फ्रेंड्स. आउट कुड, मैं आप इसमें बिल्कुल स्वीटली भी बोल सकती हूँ, और आई वुड बी लाइक वेरी एंग्री, फिनिश योर होमवर्क और यू कैन नॉट गो आउट विथ योर फ्रेंड्स. तो यही आपको इसमें करना है. तो ये आपके यहाँ पे आपको 10 दे रखे हैं, और एक आपका जो सेंटेंस है वो 2 नंबर का, क्योंकि आपको इसका टाइप ऑफ इंटोनेशन बताना है, एंड देन आपको इसमें एक्सप्लेन भी करना है. अगला सवाल मैं आपको पहले समझा रखा है आपको क्या करना है. देखो, कोई भी अगर एक सेंटेंस होता है तो आप उसको 3 तरीके से बोल सकते हो, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से. जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस. बट आप ध्यान से पढ़ो इस सेंटेंस को, मैं 3 तरीके से बोल सकती हूँ. पहला, जो मेरा बेसिकली जो फोकस होगा ना, मेरा दिस पे होगा. कहने का मतलब यह है कि पर्टिकुलरली वो जो घर है ना, वो मेरा है, मैंने ओन किया है, मैं रहती हूँ, ठीक है, कोई और नहीं, बस ये वाला हाउस, दिस इज माय हाउस. कौन सा वाला? यही वाला, दिस वाला, ठीक है. एक होता है दिस इज माय हाउस, ये इंप्लाई करना कि ये घर सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है. पहले सेंटेंस में दिस इज माय हाउस कहने का मतलब ये है कि दिस वो वाला जो घर है ना, वो सिर्फ मेरा है, मुझे सिर्फ उसकी पता है, मुझे और किसी हाउस की नहीं पता. एक बोलने का तरीका होता है ये वाला घर मेरा है, ठीक है, मतलब इंप्लाइंग दैट हाउस इज बीइंग ओन्ड बाय मी, नॉट बाय एनीबॉडी एल्स. कोई और ओन नहीं करता, मेरा ही है, दिस इज माय हाउस, ठीक है. और एक होता है दिस इज माय हाउस, इंप्लाइंग द डोमेन ऑफ इंटरेक्शन बीइंग माय हाउस, नॉट एनी अदर डोमेन लाइक माय वर्क प्लेस और द मार्केट. ये मेरा घर ही है, ठीक है, या कोई वर्क प्लेस नहीं, मार्केट नहीं है, दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है, यहाँ पे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो. तो मैंने क्या बताया, एक सेंटेंस को देखो किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में एक्सप्लेन कर सकते हैं. दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस. तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 10 सेंटेंसेस दे रखे हैं. आपको पहली बात इसके पॉसिबल वर्जन्स लिखने हैं, जिस तरीके से यहाँ पे सेम आपको, जैसे इस सेंटेंस को इन्होंने 3 तरीके से हाईलाइट करके लिखा और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि क्या मतलब है, सेम आपको वो चीज यहाँ पे भी करनी है कि आपको इसको लिखना है और इसका इंटोनेशन बताना है. सो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 मार्क का 2. तो पहले आपको इसको हर एक सेंटेंस को 3 टाइप से लिखना है. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड डिटरमाइन द डिफरेंट पॉसिबल वर्जन्स स्पेसिफाइंग द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस एंड द करस्पोंडिंग चेंज ऑफ मीनिंग एज शोन अबव. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ये आपका लास्ट सेक्शन, सेक्शन सी, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग एज रीडिंग स्ट्रेटजीज, हाउ डू अफेक्टिव एंड अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन कम्प्लीमेंट ईच अदर फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट. तो ये आपका रीडिंग बेसिक क्वेश्चन है, बट मैं आपको फिर बता देती हूँ डिफरेंस क्या होता है स्किमिंग और स्कैनिंग के बीच में. स्किमिंग बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज को एक तरीके से आप बोलते हैं ना पलट कर, मतलब नॉट डिटेल में नहीं पढ़ना, नॉर्मली जैसे कि हम कभी कभी फैक्चुअल चीजें नहीं पढ़ते, बस ऐसे पेज पलटते रहते हैं. अगर कुछ ऐसी हमारी आंख किसी चीज पे पड़ गई, कोई ऐसी अचानक से तो हमने रीड कर लिया फिर आगे बढ़ गए. सपोज मैंने एक बुक उठाई, बस मैं पेज पलटती जा रही हूँ और कुछ मुझे फैक्ट अच्छा लगा या मेरी नजर पड़ गई उसमें पढ़ी, ठीक है, तो सिर्फ एक तरीके से हम उसको स्किमिंग कर रहे हैं. बट स्कैनिंग मतलब काफी अच्छे से बोलते हैं ना, स्कैन होना, स्कैन का मतलब पूरी चीजें स्कैन हुई है, एक एक वर्ड एक चीज को अच्छे से पढ़ना है, कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या फैक्ट निकालना. अगर मैंने कोई बुक खोली है सपोज, तो मैं उसको डिटेल में एक चीज एक वर्ड पढ़ रही हूँ. दिस इज बेसिकली मेजर डिफरेंस जो होता है स्किमिंग एंड स्कैनिंग. क्योंकि आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसको ब्रीफली आप 3-4 पॉइंट लेके एक्सप्लेन कर सकते हो. अनदर क्वेश्चन आपका पूछा गया अबाउट इफेक्टिव एंड अप्लाइड कम्प्रिहेंशन पर, तो ये आपका यू नो रीडिंग वाला पार्ट है, आप इसको पढ़ के आंसर कर सकते हो. ठीक है, अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है और इसको हम पढ़ते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपसे मैं आपको बताती हूँ ये बोल क्या रहा है. एंड आपको बेसिकली इसमें क्या करना है, रिटन ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन लिखना है, मतलब आपको एक कन्वर्सेशन प्लॉट करना है. ठीक है, आपको सारा एक तरीके से सिचुएशन दे रखा है क्या कैसे है, अब आपको उस पर कन्वर्सेशन लिखना है. बेसिकली लिखने वाला काम होता है ना कि आप कितने स्किल्स, आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं लिखने की पढ़ने की, कि आप इसको समझ के कैसे लिख सको. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे बोल क्या रहा है. आप ऐसा समझो कि मैं हूँ, यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड, आप और आपको एक बेस्ट फ्रेंड है जो काफी टाइम से नहीं मिल पाए हैं लॉकडाउन की वजह से, बिकॉज यू नो हम एक ऐसे फेज से गुजरे हैं अबाउट लॉकडाउन एंड कोविड, जहाँ पे यू नो हम नहीं मिल पाए. तो सेम उसी तरीके से आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड है, सपोज करो, जो नहीं मिल पाए काफी टाइम से बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक. अब जैसे कि आपको बताया कि लाइफ वापस से शुरू हो गई है, सब चीजें वापस से नॉर्मल हो रही हैं, नाउ द प्लेसेस हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग अगेन एंड लाइफ इज रिटर्निंग टू नॉर्मलिसी. अब आप लोग मिलना चाह रहे हो, नाउ यू आर इचिंग टू मीट योर बेस्ट फ्रेंड, एंड प्लान आपका ऐसा है कि यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुगेदर और आप कुछ साथ में अच्छा पियोगे खाओगे इस तरीके से. बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है समवॉट इतना अच्छे से कन्विंस नहीं है प्लान के लिए. ठीक है, होता है ना ऐसा कि कोई दो लोग प्लान कर रहे हैं बट जरूरी नहीं है कि सामने वाला उस हिसाब से एक्साइटेड या कन्विंस्ड हो. तो अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको उससे इनफॉर्मल और फॉर्मल में आपको बता दूं सिंपल तरीके से बात होती है. जब भी आप किसी अपनों से बात करते हो समवॉट लाइक ऑफिशियल पर्पस से नहीं,
से, रिलेशंस में, तो आप एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो जहाँ पे आप एक तरीके से इतना सोचना नहीं पड़ता, लेकिन फॉर्मल कन्वर्सेशन वो होती है जहाँ पे आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करनी होती है आपके ऑफिस में या कोई आपका बॉस प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको इनफॉर्म, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही है, समझो कि कन्वर्सेशन कौन सा लिखना है, क्योंकि मैंने आपको जो इससे पहले वाला वीडियो पढ़ाया था उसमें हमने इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों कन्वर्सेशन की कुछ रूल्स एंड सेंटेंसेस पढ़े थे कि फॉर्मल कन्वर्सेशन कैसे प्लॉट करते हैं और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कैसे प्लॉट करते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, कैसे स्टार्टिंग होती है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन की, कैसे नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से एक कन्वर्सेशन लिखना है जहां पे आपका बेस्ट फ्रेंड मान जाए, एक तरीके से आपको उसको कन्विंस करना है, ट्राइंग टू परस्यू योर बेस्ट फ्रेंड टू मीट एंड गो अहेड विद द प्लान, जो भी प्लान बनाया गया है आपने, जो आपने प्लान बनाया है वो उसको मान के मिल ले, तो आपको इस पे कन्वर्सेशन लिखना है। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक दे दूं, ट्राई आप खुद करना। पहली बात, जो आपका कन्वर्सेशन होना चाहिए ना, वो एक, क्योंकि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए कन्वर्सेशन की वो प्रॉपर होनी चाहिए। जब आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन लिखते हो तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको करेक्ट टेंसेस यूज करने होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, लैंग्वेज काफी क्लियर होनी चाहिए, आप क्या बोलना चाह रहे हो बिल्कुल समझ में आना चाहिए, इतना घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि कन्वर्सेशन आपको लिखने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, सिचुएशन जो भी दिया हो, क्राइटेरिया जो भी लिया हो, आप उसको यूज करके लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपको वही करना है, आपको नॉर्मल एक तरीके का कन्वर्सेशन प्लान करना है। और बेटर है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप जिस तरीके से अपने बेस्ट फ्रेंड को कन्विंस करते तो आप वही चीज सोचो और राइट करो। तो इस तरीके से आपका एक पेपर आएगा, जैसे तो सैंपल क्वेश्चन पेपर टाइप ये एक रहेगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये हम एक और पेपर देख लेते हैं, ठीक है। ये एक और हमारे पास पेपर है, BAGL, सॉरी BGLA 138 का। एज आई सेड यू, पेपर कितने का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे होगा, एंड आई सेड कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, यू हैव टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस। सेम उसी तरीके से, एज आई टोल्ड यू, सेक्शन सेक्शन है। अब यहाँ पे आपको वही करना है, यहाँ पे आपको पैसेज दे रखा है, पैसेज का टॉपिक है मैटर्स ऑफ द माइंड, हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको पैसेज का पार्ट दे रखा है, मैं आई एम नॉट रीडिंग इट, आप खुद रीड करो, उसको ट्राई करो, आई एम टेलिंग यू कि कैसे पेपर आएगा। तो यहाँ पे देखो, आपको पूरा दे रखा है मैटर, यू हैव टू रीड इट, रीडिंग का पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप इसको अच्छे से रीड करो, इवन ट्वाइस रीड करो, ट्वाइस, पता है रीडिंग करने से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने इसको रीड कर लिया, क्वेश्चन आंसर बहुत आसान है, समझो कहना क्या जाता है, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा पैसेज दे रखा है, यहाँ पे आएंगे, ये पूरा पैसेज है, यहाँ पे रेयर वर्ड को उन्होंने देखो एक्सप्लेन किया, रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट, रिजॉल्व, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये पूरा पैसेज है, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो गए ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज, 3 मार्क्स के हैं, कुछ 2 मार्क्स के हैं, कुछ 4 मार्क्स के हैं। तो ये तो आप जब पैसेज पढ़ोगे देन ओनली आर गोइंग टू आंसर इट, तो पैसेज अच्छे से पढ़ना होगा। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, हाउ वुड यू कैटेगराइज दिस आर्टिकल, तो बेसिकली एक आर्टिकल था ऑन नेगेटिव थिंकिंग, तो आपने जो भी पढ़ा, आपने कैसे कैसे टेक्स्ट देखे, क्या बोलोगे। प्रोवाइड साउंड रीजन टू जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स यूज बाय द ऑथर, तो ये सब देखो आपका ऑन द पैसेज बेसिस है, तो आपको रीड करके आंसर करना पड़ेगा। तो BCGEFG यहाँ तक आपके जो है पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, एज आई सेड दूसरा सवाल वही होता है कि आपको कुछ दिए होते हैं वर्ड्स जो बिल्कुल सिमिलर मीनिंग होते हैं जो आपके पैसेज में होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको ये फ्रेजेस दिए हुए हैं, फ्रेजेस मतलब क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, एक सेंटेंस, नॉट सेंटेंस, सम वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग, जो पूरे सेंटेंस नहीं है बट स्टिल दे कन्वे अ मीनिंग, दैट इज अ फ्रेजेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ठीक है। वेल तो यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजेस एंड वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें से आपको क्या करना है, सेम फ्रॉम द पैसेज आपको मीनिंग निकालना है, लाइक नॉट अचीविंग मच और नॉट वेरी यूजफुल, तो पैसेज में एक वर्ड होगा जो सेम मीनिंग कन्वे करता होगा, तो सेम इस तरीके से आपको एच तक दिए हुए हैं, तो आपको ये पैसेज से करना है। अभी यहाँ पे जो सेक्शन भी है ना, ये पूरा रीडिंग वाले सवाल जवाब है, चलो करते हैं। जैसे कि वॉट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रीडिंग प्रोसेस एंड हाउ इज इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग, पहले आपको डिफरेंट स्टेजेस बतानी है रीडिंग की, क्या प्रोसेस होती है, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन, तो एक तो मार्किंग लिख के चलना है कि हमें कितना लिखना है, एंड हाउ इज इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग, तो मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग। अगर मैं एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करूँ तो बेसिकली शॉर्ट में समझाती हूँ मैं, इस तरीके से आएगा आपको, ये आपको रीडिंग वाला पूरा आपकी जो बुक्स है वो पढ़नी होंगी, उससे आया ये, जो हमारा सेक्शन ये था वो ग्रामेटिकल था, ठीक है, मतलब एक तरीके से रीडिंग वाला पार्ट था, ये राइटिंग वाले पार्ट में आ गया, देख थ्योरी पार्ट हो गया। एक्सटेंसिव रीडिंग बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो उसे टाइप ऑफ रीडिंग जिसमें ना हम लॉन्ग टेक्स्ट को पढ़ते हैं, मतलब लॉन्ग मटेरियल को पढ़ते हैं, एक्सटेंसिव से ही समझो, बहुत डिटेल्ड में, ठीक है। बेसिकली इट्स एन लैंग्वेज लर्निंग इन विच लॉन्ग टेक्स्ट एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल आर रीड बाय द स्टूडेंट्स फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कोई भी चीज अगर मुझे पढ़नी है तो मैं उसको यू नो एक्सटेंसिवली पढ़ूंगी।
कह सकते हो एक ऐसा रीडिंग मेथड होता है जहां पे जो लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई छोटे छोटे टेक्स्ट पढ़ते हैं, रीड द शॉर्ट टेक्स्ट केयरफुली एंड डीपली सो गेन मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग। वो छोटे छोटे टेक्स्ट शॉर्ट बेसिस में मैक्सिमम लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में बेसिक यही हो गया। जैसे कि अगर मैं एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करूं तो जैसे कि नॉवेल्स होती हैं, आपने देखा है नॉवेल्स कितनी मोटी मोटी होती है, दैट इज एन एक्सटेंसिव रीडिंग। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक्स लोगे तो वो बेसिकली इंटेंसिव रीडिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो मेजर डिफरेंस हो गया। अब अगर मैं आगे बात करूं तो इस तरीके से हो गया। अब आगे सवाल देखते हैं क्या है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। मैं रीड कर देती हूं, नेम सम ऑफ द रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइज एंड एक्सप्लेन हाउ मेमोरी ट्रेनिंग हेल्प्स इन रीडिंग रेडीनेस। ये 10 नंबर का सवाल हो गया। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स इन रीडिंग, क्या होती है डिफरेंट टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ रीडिंग, ठीक है। नाउ व्हाट आर द 5 की एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, स्टोरी के की एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो अगर आपने स्टोरी स्टोरी राइटिंग जो होती है अगर आपने कभी की हो या पढ़ा हो देखा हो तो आप देखना स्टोरी में 5 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप एक स्टोरी फ्रेम करो। तो पहला होता है कैरेक्टर्स, आपकी स्टोरी के कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है, फर्स्ट इज कैरेक्टर। फिर कॉन्फ्लिक्ट, आपकी स्टोरी में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। फिर प्लॉट ट्विस्ट, प्लॉट आता है क्या है स्टोरी में, प्लॉट स्टोरी की सेटिंग होना, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, सेटिंग होती है ना एक चीज। अगर आप कोई फिल्म भी देखो स्टोरी होती है तो ऐसे थोड़ी ना कहीं से कुछ भी दिखाने लगते हैं, उनका पूरे पहले कैरेक्टर्स हो गए, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, प्लॉट होता है, देन सेटिंग होती है, देन थीम होती है कि किस थीम पे एक आपने स्टोरी लिखी है, क्या है आपकी स्टोरी का थीम। तो बेसिकली 5 मेजर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं ना ये होते हैं। तो इस तरीके से आपके सवाल है, इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल, तो एक क्योंकि एक सैंपल है, इस तरीके से सवाल आते हैं। डिफरेंशिएट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द डिटेल्स, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना है फॉलिंग एंड राइजिंग, इंटोनेशन, रिदम एंड स्ट्रेस, व्हाट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड, हाउ डज इट अफेक्ट कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज टू डू एफिशिएंट स्टडी रीडिंग एंड द स्टेप्स दैट आर टू बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल समराइजिंग इन अ पैराग्राफ और चैप्टर। सो ये था आपका एक और। तो इस तरीके से हमने 2 पेपर डिस्कस किए हैं, ये और एक ये वाला, इस तरीके से आपके सैम्पल पेपर आते हैं। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डू मतलब अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट, वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।